चले जहाँ तुम्हें चलो फिर भी मंजिल कहाँ। शेयरिंग फिंटसो डेनजोंगपा, जिन्हें डैनी डेनजोंगपा के नाम से जाना जाता है, कुछ चुनिंदा अभिनेताओं में से एक हैं दोस्तों, जो अपनी सकारात्मक और नकारात्मक भूमिकाओं के लिए 70 और 80 के दशक के दौरान बहुत लोकप्रिय थे। डैनी डेनजोंगपा उन भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें महान किशोर कुमार के साथ एक गाने के लिए प्लेबैक देने का भी मौका मिला। लेकिन आज का एपिसोड एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेगा जिसमें किशोर दा ने उस फिल्म के सभी गाने गाने के बाद अचानक एक खास गाने को फिल्म में गाने से मना कर दिया था। किशोर दा ने अचानक एक गाना क्यों ठुकरा दिया और फिर किन शर्तों पर किशोर दा गाना गाने के लिए राजी हुए, यही है दोस्तों आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, जनता टॉकीज में आपका स्वागत है। साल 1977 में डैनी डेनजोंगपा और जया बच्चन स्टारर हिट फिल्म अभी तो जी लें रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक और निर्माता थे रोशन तनेजा, फिल्म के संगीत निर्देशक थे सपन जगमोहन जी और गीतकार थे नक्श लायलपुरी जी। संगीत निर्देशकों ने फिल्म के सभी गाने गाने के लिए किशोर कुमार और आशा भोसले से संपर्क किया। किशोर दा को उन दोनों से पता चला कि किशोर दा फिल्म में कुछ रोमांटिक गानों के लिए डैनी डेनजोंगपा को प्लेबैक देंगे। किशोर कुमार ने डैनी को अपने घर बुलाया। ये पहली बार था जब डैनी किशोर दा से मिलने जा रहे थे। डैनी साहब किशोर कुमार की सदाबहार आवाज के साथ साथ फिल्मों में किशोर दा की कॉमिक टाइमिंग के बहुत बड़े प्रशंसक थे। हालांकि किशोर दा ने डैनी के लिए अपना पहला गाना फिल्म मेरे अपने में गाया था, लेकिन इस बार किशोर दा एक ऐसा वॉइस पैटर्न डेवलप करना चाहते थे जिससे लोगों को लगे कि फिल्म में खुद डैनी ही गा रहे हों। दरअसल यही तो किशोर दा की खासियत थी, वो सबसे पहले एक्टर को समझते थे और उसी हिसाब से उस एक्टर को प्लेबैक देते थे। आबो हवा वा 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 वा। और क्या कहूँ, छोटी मोटी चोरी रिश्वत खोरी आपके दुआ से बाकी ठीक ठाक है। कुछ कैजुअल चर्चाओं के बाद किशोर दा ने डैनी साहब से अपनी पैदाइशी भाषा में कुछ गाने गाने के लिए कहा। किशोर दा की अचानक ऐसी मांगों ने डैनी को आश्चर्यचकित कर दिया। डैनी साहब बहुत घबरा गए। किशोर दा ने उन्हें रिलैक्स फील कराया और कहा, तुम बिना किसी टेंशन के कुछ लोकल गाने गाओ डैनी, मुझे तुम्हारा गाना सुनना है। डैनी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि किशोर दा उनसे गाने के लिए क्यों कह रहे हैं। खैर, कुछ नेपाली गाने गाने के बाद डैनी किशोर दा के घर से चले गए। डैनी समझ नहीं पाए कि किशोर दा गाते समय डैनी का बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव बारीकी से देख रहे थे। किशोर दा ने कुछ ट्राइबल और नेपाली गाने बहुत ध्यान से सुना और अंततः डैनी के लिए एक नया वॉइस पैटर्न तैयार किया। प्रिय दोस्तों, यह 1977 था जब किशोर दा हिंदी फिल्म उद्योग के शीर्ष पर थे। हर कोई किशोर दा को अपनी फिल्मों में प्लेबैक के लिए चाहता था, लेकिन सब कुछ के बावजूद किशोर दा ने डैनी के लिए अपना कीमती समय निकाला ताकि किशोर दा समझ सकें कि उन्हें डैनी डेनजोंगपा के लिए किस तरह से प्लेबैक देना चाहिए। यही तो थी दोस्तों किशोर दा की महानता जो उन्हें आज भी प्रासंगिक बनाती है। किशोर दा ने फिल्म अभी तो जी लें के 5 गाने सफलतापूर्वक रिकॉर्ड किए और किशोर दा और आशा जी की सभी रिकॉर्डिंग की स्टूडियो में सभी ने बहुत प्रशंसा की। अब फिल्म का एक और गाना किशोर दा को रिकॉर्ड करना था, जो था एक भजन। किशोर कुमार जो उस समय रोमांटिक और फास्ट ट्रैक गानों के लिए मशहूर थे, जब उन्होंने फिल्म में एक भजन के बारे में सुना तो उन्होंने इसे गाने से साफ मना कर दिया और स्टूडियो से तुरंत बाहर निकल गए। कुछ दिनों के बाद डैनी साहब फिर से किशोर दा के घर गए
और किशोर दा से फिल्म के उसी भजन को गाने का दोबारा अनुरोध किया। काफी रिक्वेस्ट के बाद आखिरकार किशोर दा गाना गाने के लिए राजी तो हुए, लेकिन एक शर्त के साथ। किशोर दा ने कहा, मैं गाने की रिहर्सल नहीं करूंगा डैनी, मैं स्टूडियो जाऊंगा और सीधे रिकॉर्ड करूंगा। डैनी तुरंत सहमत हो गए और रिकॉर्डिंग के लिए एक तारीख तय हो गई। किशोर दा स्टूडियो आए, जहां डैनी और निर्देशक रोशन तनेजा सहित सभी लोग किशोर दा का इंतजार कर रहे थे। किशोर दा ने उस दिन फिर से एक और शर्त रखी। किशोर दा ने सभी की ओर देखते हुए कहा, मैं गाने की लाइनें पढ़ूंगा, मैं गाने का म्यूजिक समझूंगा और मैं गाना केवल एक ही बार रिकॉर्ड करूंगा। अगर आप सभी को मेरी रिकॉर्डिंग ठीक लगे तो फिर ठीक है, वरना मैं ये गाना नहीं गाऊंगा, कोई मुझे मजबूर नहीं करेगा। चूंकि कोई विकल्प नहीं था, इसलिए सभी ने किशोर दा की बात मान ली। किशोर दा कुछ मिनटों तक बैठकर गाने का डबिंग सुनते रहे। डबिंग वर्जन को सुनने के बाद किशोर दा काफी देर तक मौन रहे। किशोर दा ने गाने को बारीकी से समझा और आखिरकार गाना रिकॉर्ड किया। किशोर दा को तब आश्चर्य हुआ जब स्वप्न जगमोहन जी सहित सभी ने पहली रिकॉर्डिंग को ही हरी झंडी दे दी। जी हां दोस्तों, किशोर दा ने उस भजन को बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्ड किया जैसा कि फिल्म में इसकी जरूरत थी। आइए पहले उस गाने की एक क्लिप देखें। जब राम नाम ले ले काम हो जाए, इतनी बड़ी हो मुश्किल आसान हो जाए। इस गाने में कुछ हाई नोट्स थे जिसे कई शास्त्रीय प्रशिक्षित गायकों के लिए भी एक बार में रिकॉर्ड करना असंभव होता। जब किशोर दा स्टूडियो से बाहर निकल रहे थे तो डैनी ने किशोर दा को पेमेंट देना चाहा, जिस पर किशोर दा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतना सुंदर भजन गाने के लिए पैसे कैसे ले सकता हूं। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि किशोर कुमार कंजूस थे, उन अज्ञानी लोगों को जाकर जरूर बताएं कि किशोर दा ने उस गाने के लिए एक भी पैसा नहीं लिया था। यह किशोर दा के व्यक्तित्व की महानता थी दोस्तों। किशोर दा के हिसाब से कुछ चीजों की कोई कीमत नहीं होती, वे आपको अन्य तरीकों से फायदा पहुंचाते हैं लेकिन पैसों से नहीं। प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कृपया उस भजन पर टिप्पणी करें जिसके साथ किशोर दा ने पूरा न्याय किया। अगर आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।